सभी लोगों का, और काफ़ी दिनों के बाद इस तरीका का एक कंपोजिशन जिसको ऑल इन वन प्रैक्टिस कहते हैं वो आप लोग तक भेज रहा हूँ। इसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको मिलेगा। फोर स्टेप एक ही कंपोजिशन से फोर स्टेप कंपोजिशन बनाया गया है, जो अलग अलग तरीका के अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग वेरिएशन बनाने में, गला रियाज में, फिंगर प्रैक्टिस में, म्यूजिक पैटर्न बजाने में, यानी कि दक्षता जिसको कहते हैं, उस्तादी बात जिसको कहते हैं, वो बात बनेगी, ऐसा कंपोजिशन है। तो इस तरीके का कंपोजिशन पहले भी बनाया हूँ, लेकिन ये कुछ खास है, ये कुछ यूनिक है। और मैं जो दिखा रहा हूँ वो भैरवी थाट, भैरवी राग को बेस करके दिखा रहा हूँ, सी शार्प स्केल में। और इस कंपोजिशन को करने का फ़ायदा क्या क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप आप जब देखेंगे, आप जब समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर स्टेप में चलना है, यानी कि चार लेवल है इसका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो चारों लेवल देखना है, लीडिंग कॉर्डिंग सभी कुछ है, गला का रियाज भी है। भैरवी जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, भैरवी में चार स्वर कोमल लगते हैं, सा रे ग म प नी सा नी र प म ग रे सा, ये भैरवी के स्वर हो गए, ओके। और आगे इसमें चूंकि कॉर्ड का भी यूज है उस कंपोजिशन में, तो कॉर्ड पोजीशन जो है कई बार बताया हूं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए उसको, सा ग प ग सा पहला कॉर्ड, रे म ध रे दूसरा कॉर्ड, ग प नी प ग म ध सा ध म, ये मुख्य कॉर्ड भैरवी का फोर कॉर्ड, इससे काम चल जाएगा। सा ग प रे म ध ग प नी एंड म ध सा, ओके। इस कॉर्ड का यूज उस फोर स्टेप कंपोजिशन में होगा। ताल जो इसका होगा वो कहरवा ताल में, तीन ताल में लिपिबद्ध है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो उस ताल के अंतर्गत इसका रियाज करना है। कमेंट करने में, लाइक करने में चूकिए मत, वो जो आप लोग लिखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इसी से एनर्जी हौसला मिलता है कि आगे भी हमको और वीडियो और कंपोजिशन खोजना है, बनाना है, तो वो ज़रूर करते रहिए, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा सहयोगात्मक दृष्टिकोण भी रखिए कि नीचे ज्वाइन बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिए, ज्वाइन करके चलिए मेरे साथ। उससे क्या हुआ कि आपका एक नैतिक फर्ज गुरु दक्षिणा का वो भी पूरा होगा, मुझे आंशिक लाभ भी मिलेगा, और चैनल डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात की चैनल को प्रमोशन मिलता है यूट्यूब के जरिए कि इनको इतने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है बजाते, ठीक है। तो ये करेंगे, आइए कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन ये है, चार चार स्वरों का कंपोजिशन है मुख्य रूप से। जैसे सा से स्टार्ट करेंगे तो एक नोट ऊपर का आ रहा है कंपोजिशन में, और दो नोट सा से नीचे का आ रहा है मंद सप्तक, ऐसा ही चलेगा। जिस स्वर से शुरू करेंगे, सा रे ग म प ध नी सा, जिस स्वर से स्टार्ट करेंगे वो स्वर मुख्य हो गया, उससे एक स्वर ऊपर है और उस स्वर से दो स्वर नीचे, यानी कि चार चार स्वर का कंपोजिशन। बाद में कॉर्ड है वो फोर स्टेप के अंतर्गत आएगा, देखते हैं क्या है। सा रे सा नी सा नी ध नी सा रे सा नी सा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये मतलब फर्स्ट स्टार्ट हो गया अलंकार सा से। सा रे सा नी सा नी ध नी सा रे सा नी सा, स्लो रियाज करके फास्ट करना है, कॉर्ड भी लगाना है, आगे देखते जाइए। ताल जब चलेगा धीरे धीरे फास्ट करेंगे, धागे नी नक धीम न धागे न, तबला ढोलक ऐप ले सकते हैं, रिदम यूज कर सकते हैं। और इस स्पीड के अंतर्गत टेम्पो के ऊपर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, कितना टेम्पो रखें, टेम्पो फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी कैसी है उस हिसाब से उसको बजा के देख लीजिए। आपको लगता है कि इस स्पीड में, इस स्पीड में, इस स्पीड में, कम से शुरू करिए, लय कम रखिए, धीरे धीरे उसको तेज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करते हैं। सा रे सा नी सा नी ध नी सा रे सा नी सा, रे से चलेंगे, रे ग रे सा रे सा नी सा रे ग रे सा रे, रे से चले तो भी वही बात हुआ, एक स्वर ऊपर दो स्वर नीचे, रे ग रे सा रे सा नी सा रे ग रे सा रे, ग से ग म ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग, म प म ग म ग रे ग म प म
स्टेप चल रहा है, फोर स्टेप मैंने कहा है, देखिए कितना जमेगा ये चीज। पौ से चलेंगे प ध प म प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध प म प ध नि ध प ध नि स नि ध नि ध प ध नि स नि ध नि स रे स नि स नि ध नि स रे स नि स। ऐसा ही करके लौट जाना है। उसके बाद इसमें स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर इसी का बनाना है। तो देखिए क्या क्या एड होगा। पहले अवरोह कर लीजिए, सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा नी सानी धनी धप धनी सानी धनी धनी धप धप म प धनी धप ध प धप म प म ग म प धप म प म प म ग म ग रे ग म प म ग म ग म ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग रे ग रे सा रे सा नि सा रे ग रे सा रे सा रे सा नि सा नि धन सा रे सा नि सा। फर्स्ट स्टेप क्लियर। इसका टेम्पो धीरे धीरे बढ़ा के जब आप रियाज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी स्टेप टू थ्री फोर समझना बाकी है, इसलिए लंबा वीडियो भी होगा तो अंत तक देखिएगा, बहुत काम देने वाला है। तेज करेंगे, आकार में जब रियाज करेंगे क्या गला का रियाज होगा। देखिए सारे सनी सनी धनी सारे सनी सा आ गला के हरकत के लिए जो लोग परेशान रहते हैं ना, कैसे आया गमक खटका मुड़की, फिंगर तेज कैसे हुआ, सभी कुछ इसमें है। ऐसा करके चलेंगे और भी इससे तेज, लेकिन गला में हरकत लाने के लिए स्लो रियाज के बाद धीरे धीरे फास्ट करना है। चलिए ये करना जरूरी है आकार में रियाज, ताकि गला में हरकत आवे, फिंगर तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होगा। स्टेप टू में इसमें क्या करना है, सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा सा। बीच का गैपिंग भरने के लिए कॉर्ड का यूज होता है। तो पहला स्टेप में क्या किए, सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा सा, इतना लंबा सुर लगाए सा में लास्ट में। अब लंबा नहीं लगा के सा बोल के छोड़ देंगे एक ही मात्रा में, और एक मात्रा जो बच गया उसमें कॉर्ड लेंगे बीच का। पहला सा पे आ रहा है तो सा गा पा, ओके सारे सा नि सा नि धनी सारे सा नि सा रे ग रे सा रे सा नि सा रे ग रे सा रे रे का कॉर्ड रे मा था, ग म ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग ग प नि ग म प म ग म ग रे ग म प म ग म मदसा ले सकते हैं, ठीक है। कौन से चलेंगे प ध प म प म ग म प ध प म प, फिर से ग प नहीं ले सकते हैं, पॉक लग रहा है। धनी ध प ध प म प धनी ध प ध मदसा का कर ले सकते हैं, नि स नि ध नि ध प ध नि स नि ध नि ग प नि स रे स नि स नि ध नि स रे स नि स म ध स ग प ध, ठीक है। ऐसे करके वापस आएंगे, स रे स नि स नि ध नि स रे स नि स नि स नि ध नि ध प ध नि स नि ध नि ध नि ध प ध प म प ध नि ध प ध प ध प म प म ग म प ध प म प म प म ग म ग रे ग म प म ग म ग म ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग रे ग रे सा रे सा नि सा रे ग रे सा रे सा रे सा नि सा नि ध नि सा रे सा नि सा। ओके स्टेप टू में क्या किए, गैपिंग में कॉर्ड भरे। अब
कॉर्ड का यूज करके इस कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज कर, चेंज नहीं करना है, थोड़ा ऐड करना है। क्या करना है? सा रे सा नी सा नी धा नी सा रे सा नी सा सा ग प ग सा, जो कॉर्ड लिए उसको एक्स्ट्रा गा देता है। और इस कॉर्ड को अगर बिना गाए हुए अगर स्वर लगा सके तो स्वर ज्ञान, मैंने कहा ऑल इन वन रियाज होगा, तो सा ग प सा ग प ग सा, सागा पा का कॉर्ड है, स्वर दबा के अगर बजा के भी गा सकते हैं कॉर्ड के स्वर को। अगर बजा के नहीं गाते हैं और सिर्फ हारमोनियम में दबा के उन स्वर को अलग अलग बाय फ्रगेट लगाते हैं, स्वर ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, जैसे सा रे सा नी सा नी धा नी सा रे सा नी सा सा ग प ग सा, स्वर लगना चाहिए। जिनका स्वर ज्ञान थोड़ा कच्चा है वो बजा के पहले कर लें। सा रे सा नी सा नी धा नी सा रे सा नी सा सा ग प ग सा रे ग रे सा रे सा नी सा रे ग रे सा रे रे म ध म रे रे म ध म रे। ताल चल रहा है ग म ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग तक जो कॉर्ड लगाए वो नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए। अब जो कॉर्ड लगेगा प ध प म प म ग म प ध प म प, ये कॉर्ड बना ग प नी का, तो कैसे करेंगे? प से ही चलेंगे, प ग प नी प ग प, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, स्वर ज्ञान कितना अच्छा हो जाएगा। प नी प ग प प नी प ग प प ध प म प म ग म प ध प म प प नी प ग प ध नी ध प ध प म प ध नी ध प ध उल्टा भी कर सकते हैं। ध म ध सा ध, क्या किए इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, प ध प म प म ग म प ध प म प, तो प से चलना है कॉर्ड के स्वर को लगाना है तो प से पहले किधर जाए, तो दोनों तरीका से कर सकते हैं। पहले ऊपर जाके प नी प ग प, दूसरा पहले नीचे आके प ग प नी प, ऐसा ही आगे कर सकते हैं। ध नी ध प ध प म प ध नी ध प ध ध सा ध म ध ध म ध सा ध। ध्यान ये रखना है कि जहाँ से एंड हो रहा है कंपोजिशन वहां से शुरू करना है, वहीं खत्म होना चाहिए। ओके, नी से चलेंगे, नी सा नी ध नी ध प ध नी सा नी ध नी। अब यहाँ ऊपर का नोट नहीं है, ग प नी का कॉर्ड है तो नीचे ही आएंगे, नी प ग प नी। इसमें भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, नी से डायरेक्ट ग पे स्वर लगाने की कोशिश करें, नी ग प नी नी प ग प नी। ओके, लास्ट करेंगे सा रे सा नी सा नी ध नी सा रे सा नी सा सा ध म ध सा। इसी को फाइनल करते हुए अवरोह कर लेंगे, सा रे सा नी सा नी ध नी सा रे सा नी सा सा ध म ध सा सा ध म ध सा नी सा नी ध नी ध प ध नी सा नी ध नी नी प ग प नी ध नी ध प ध प म प ध नी ध ध नी ध प ध प म प ध नी ध प ध। ध का कॉर्ड लगाए, रे म ध लगा सकते हैं, म ध सा भी लगा सकते हैं, दोनों कॉर्ड बनते हैं। ध नी ध प ध प म प ध नी ध प ध ध सा ध म ध प ध प म प म ग म प ध प म प प नी प ग प म प म ग म ग रे ग म प
प म ग म ग रि ग म प म ग म म ग स ध म ग म ग रि ग रि स रि ग म ग रि ग ग प नि प ग रि ग रि स रि स नि स रि ग रि स रि रि म ध म रि स रि स नि स नि ध नि स रि स नि स ओके लास्ट का स्टेप जो है फोर स्टेप में लास्ट का स्टेप वो तो कमाल का है। कमाल कैसे है, जाने में एक कंपोजिशन, आने में डिफरेंट कंपोजिशन, ऐसा करके लास्ट स्टेप है वो ऐसे है। सारे सानी सानी धनी सारे सानी सानी धनी सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा, यानी कि शुरू का पार्ट को तीन बार करना है। क्या गलाकार याद होगा, सारे सानी सानी धनी सारे सानी सानी धनी सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ऐसे लोगों के लिए जो गायकी डेवलप करना चाहते हैं, फिंगर सब कुछ एकदम ये लाजवाब कंपोजिशन। रे ग रे स रे स नि स रे ग रे स, यानी कि शुरू के पार्ट को तीन बार करना है। रे ग रे स रे स नि स रे ग रे स रे स नि स रे ग रे स रे स नि स रे ग रे स रे ग म ग 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 रे ग म प म 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 ग म प ग म म प म ग म प ग म म प म ग म प ग म म प म ग म प ग म म प ध नि ध प ध 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 नि ध नि ध नि ध प ध नि स नि ध नि ध प ध नि ध नि ध नि ध प ध नि स नि ध नि स रे स नि स नि ध नि स रे स नि ध नि स रे स नि स नि ध नि स रे स नि स। आने में क्या करना है, कभी कभी म्यूजिक पैटर्न बजाने में ऐसे स्ट्रिंग स्टाइल में आना पड़ता है, उसमें ये करिएगा सारे सानी सानी धनी नी सानी धनी धा पा धा धनी धा पा धा पा मा पा मा धा पा मा पा मा धा मा मा धा मा पा मा धा मा धा मा गा रे गा गा मा गा रे गा रे सानी रे सा रे गा रे सा रे सानी धा सारे सानी सानी धनी सारे सानी सा। इसको एक बार और समझ लीजिए, अब रोक कंपोजिशन वही है, पहला पार्ट को ही लेके आए ठीक है, जिस पार्ट को तीन बार कर देते उतना ही बजा के आए। क्या किए, सारे सानी सानी ध पानी सा, पूरा कंपोजिशन क्या था सारे सानी सानी धानी सारे सानी सा, ये करते थे। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को रखना है सारे सानी सानी ध पा, पा तक आ गए सारे सानी सानी ध पा, नी से चलेंगे नी सा नी ध नी ध पा म, पा से चलेंगे धनी ध प ध प म ग प ध प म प म ग रे म ग म ग म प म ग म ग रे स ग म ग रे ग रे स नि रे ग रे स रे स नि ध, लास्ट में वही सारे स नि स नि ध नि स रे स नि स। तो पूरा क्या बन जाएगा, सारे सानी सानी ध प नि स नि ध नि ध प ध ध नि ध प ध प म ग प ध प म प म ग रे म ग म प म ग म ग रे स ग म ग रे स रे ग रे स रे स नि ध सारे सानी सानी ध नि सारे सानी सा, ये बन जाएगा। कमाल कर दिया, वैसे भी बिना बिना गाए हुए बजाइएगा। जितना मर्जी उतना तेज कर सकते हैं, लेकिन सोलो में पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का कंपोजिशन रियाज करिएगा, और वीडियो शुरू होने से पहले जो बात मैंने कहा है उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।